हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ बायो विथ चिपमाग सो इससे पहले वाली वीडियो में हम ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात कर रहे थे तो इसमें भी हम ऑब्वियसली उसी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में हम बात करेंगे डावाबिन फोटोमीटर के बारे में ओके सो लेट्स स्टार्ट इट ओके दिस इज़ योर डावंस फोटोमीटर दिस इज़ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ फोटोमीटर यूज टू मेजर द रेट ऑफ ट्रांसपेरेशन। ये सबसे सिंपलेस्ट टाइप होता है इसलिए मोस्टली यही यूज़ किया जाता है जो हमने गैंगस पढ़ा था वो थोड़ा आउटडेटेड है और थोड़ा उसमें कॉम्प्लिकेशन्स आते हैं दैट्स वाई मोस्टली ये यूज़ करते हैं ओके एंड इसमें भी सेम प्रोसीजर है इसमें भी हमें एयर बबल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा लेकिन हमें यही ध्यान रखना है कि पानी फिल करते समय इसमें कोई एयर बबल ना हो ठीक है तो यह है हमारे पास प्लांट का जैसे जैसे ट्रांसपेरेशन होगा वैसे वैसे क्या होगा आपका यहाँ से जो पानी है वो क्या होगा कम होता जाएगा और उसकी वजह से यहाँ पर सक्शन बन जाएगा ट्रा, प्लांट्स ट्रांसफायर करेंगे लीव्स ट्रांसफायर करेगा तो क्या करेगा तो जो पानी है ये अब्जॉर्ब करेंगे यहाँ से फिर यहाँ पानी कम होगा तो उसकी वजह से क्या होगा यहाँ पे सक्शन बनेगा इस कैप इस, इस कैपिलरी ट्यूब में तो इस कैपिलरी ट्यूब में जैसे ही सक्शन बनेगा तो जो इसमें नीचे पानी है उसमें क्या हो जाएगा सक्शन फोर्स क्रिएट हो जाएगा और वो यहाँ से इस पानी को ऊपर की तरफ खींचेगा ऊपर की तरफ खींचेगा वैसे ही इसमें एयर बबल बन जाएगा और ये जो है आपका कैपिलरी ट्यूब इसके आसपास हमने क्या लगा दिया स्केल लगा दिया है जिससे हम पता कर सकते हैं कि आपका रेट ऑफ ट्रांसपरेशन कितना है ठीक है सो इट इज़ ऑल्सो मैथड टू डिटरमाइन द रेट ऑफ ट्रांसपरेशन एंड इट इज़ सिंपलेस्ट टाइप और ये ही मोस्टली यूज़ होता है टू फाइंड आउट द रेट ऑफ ट्रांसपिरीशन ओके अब ट्रांसपिरीशन के पोटोमीटर्स मैथड में भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं मतलब हम यूज़ तो करते हैं बट कुछ कॉम्प्लीकेशंस है कुछ लिमिटेशंस है इसलिए हम इन्हें क्या करते हैं हम थोड़ा uh, कम यूज़ करना प्रेफर करते हैं तो क्या लिमिटेशन होती है एक तो इंट्रोड्यूसिंग ऑफ द एयर बबल इज़ नॉट ईजी एयर बबल इंट्रोड्यूस करना ही इजी नहीं होता बिकॉज़ कई बार ऐसा होता है कि आपका ट्रांसपरेशन होता ही नहीं है होता है तो उतना आ, क्या बोलते हैं उतना ज़्यादा ट्रांसपरेशन नहीं होता है कि आपका जो एयर बबल है वो उसमें इंट्रोड्यूस हो सके ओके और जब आप कैपलरी को डालो तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपका आ, इतना सक्शन हो उसमें कि आपका एयरबल इंट्रोड्यूस हो जाए एंड सेकेंड मेन इंपॉर्टेंट थिंग ट्रांसपोर्टेशन किससे होता है प्लांट से होता है तो ये जो कई बार हम प्लांट का ट्विग लेते हैं ये काफ़ी टाइम तक के लिए सर्वाइव नहीं कर पाता ऑब्वियसली जब इसमें रूट्स नहीं होंगे तो पानी नेचुरल तरीके से ऊपर नहीं सक्शन करके आएगा तो ये ज़्यादा देर सरवाइव नहीं कर पाता इस वजह से भी ये थोड़ा सक्सेसफुल नहीं होते हैं ओके okay? वर्ल्ड इज़ योर एनी चेंज इन द आउटसाइड एटमोसफेयर बाहर कुछ भी चेंज हुआ अगर बाहर ज़रा सा भी टेम्परेचर आपका हाई हो गया तो आपका रेट ऑफ़ ट्रांसपोरेशन पर इफेक्ट हो जाएगा अगर आपका ट्रा अगर आप एटमोसफेयर थोड़ा सा ह्यूमिड हो गया तो भी रेट ऑफ़ ट्रांसपोरेशन पर इफेक्ट पड़ेगा अगर थोड़ा सा भी क्लाउडी हो गया तो भी पड़ेगा तो आपको ट्रांसपेशन होने के लिए भी हमें एक वेदर चाहिए होता है जिसकी वजह से ट्रांसपेरेशन इजीली हो पाए और जैसा हम रिजल्ट चाहते हैं वैसा आ पाए ओके तो इसमें कई सारे लिमिटेशंस होते हैं पोटोमीटर यूज़ करने के लिए अब हम पढ़ेंगे आपके काइंड्स ऑफ ट्रांसपेरेशन ओके तरह के होते हैं ट्रांसफरेशन आपके थ्री टाइप्स के होते, है। okay? होते हैं फर्स्ट इज योर स्टोमेटल सेकेंड इज योर क्यूटिकुलर एंड थर्ड इज योर लेंटिकुलर ट्रांसफरेशन ओके ट्रांसफरेशन होते हैं फर्स्ट इज योर स्टोमेटल ट्रांसफरेशन सेकेंड इज योर क्यूटिकुलर ट्रांसफरेशन थर्ड इज योर लेंटिकुलर ट्रांसफरेशन जिस वे में मैंने लिखे हुए हैं उसी वे में ट्रांसफरेशन भी होता है स्टोमेटा से सबसे ज़्यादा होता है देन उसके बाद आपका क्यूटिकल से होता है देन सबसे लेस आपका लेंटिकल से होता है ठीक इसी है इसीलिए सबसे पहले आपका स्टोमेटल ट्रांसपेरेशन होता है देन आपका क्यूटिकुलर होता है एंड देन जब भी थोड़ा बहुत बच जाता है तो वो आपका लेंटिकुलर ट्रांसपेरेशन so, होता है ओके सो ट्रांसफर का होता है थ्रू स्टोमेटा आपका ट्रांसपेरेशन थ्रू स्टोमेटा होता है तो आपको ट्रांसपेरेशन पढ़ने से पहले यानी कि so सो आपको स्टोमेटल ट्रांसपेरेशन पढ़ने से पहले आपको स्टोमेटा पता होना चाहिए स्टोमेटा का स्ट्रक्चर क्या है स्टोमेटा दिखता कैसा है आपको वो पता होना चाहिए ओके डायग्राम ऑफ द स्टोमेटा आपका स्टोमेटा का डायग्राम केवल यही पार्ट है बाकी इसके क्या हैं एपिथेलियल सेल्स हैं बाकी इसके सराउंडिंग सेल्स हैं स्ट्रक्चर कैसा है इसका बीन शेप्ड स्टोमेटा में प्रेजेंट क्या क्या होता है आपका सेल वॉल प्रेजेंट होती है बिकॉज इट इज अ प्लांट सेल तो सेल्फ वॉल प्रजेंट होगी इसमें क्या प्रजेंट होगा न्यूक्लियस प्रजेंट है इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है एंड uh, क्या प्रेजेंट नेक्स्ट uh, क्या प्रेजेंट होगा इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है ये जो ग्रीनिश मैंने बनाया है दैट इज योर क्लोरोप्लास्ट ये आपका क्लोरोप्लास्ट है स्टोमेटा का स्ट्रक्चर इसके सराउंडिंग सेल्स क्या हैं सारे एपिडर्मल सेल्स हैं मतलब जो भी इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो सारे एपिडर्मल सेल्स हैं इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है इसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है सेल वॉल प्रेजेंट क्यों है बिकॉज इट इज़ अ प्लांट सेल ओके तो ये आपके स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है ओके मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल ट्रांसफरेशन टल ट्रांसफरेशन टोमटल ट्रांसफरेशन समझने के लिए आपको बहुत ईजी वे में मैं आपको बता देती हूँ मैंने ये जो पार्ट लिया है ये आपके प्लांट लीफ का छोटा सा से सेक्शन है उसमें से ही मैंने आपको और स्मॉलेस्ट पार्ट लिया है ओके तो ये हमने ले लिया ज़ाइलम वेसल। ज़ाइलम मतलब जिससे आपका पानी कंडक्ट होता है रूट से ऊपर की तरफ ठीक है ये हमने जायलम वैसल ले लिया जाइलम वैसल ने पानी अब्जॉर्ब करके लीव तक पहुँचा दिया ओके अब उसके आगे क्या हुआ उसके आगे प्ला प्लांट ने पानी क्या किया अपनी तरफ डिफ्यूज करना स्टार्ट कर दिया डिफ्यूजन तो आपको पता है क्या होता है ना कि मेकेनिज्म ट्रांसप्रेशन में क्या चीज़ है कि आपका जो जायलम वेसल क्या करेगा जैलम वेसल ने आपका पानी अब्सॉर्ब किया ठीक है जायम वेसल ने अब्सॉर्ब किया अब आगे सारे सेल्स में पानी डिफ्यूज होता जाएगा मतलब आगे बढ़ता जाएगा कैसे थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस क्या था मैंने बताया था ऑसमोसिस था कि लिक्विड uh, क्या करेगा ट्रैवल uh, करेगा फ्रॉम इट्स हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन और मोस्ट ऑफ द वाटर आपका ट्रैवल कर जाएगा थ्रू सेल वॉल्स तो सेल वॉल्स से ट्रैवल करते 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 फाइनली वो स्टोमेटा के पास जो वैक्यूल होगा वहाँ पहुँचेगा यानी कि खाली स्पेस में पहुँचेगा और फिर वहाँ से स्टोमेटा के थ्रू वो रिलीज हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स ओके सो ये है आपका मेकेनिज्म स्टोमेटल ट्रांसपोटेशन में में हमने बात की आपके डाबिन पोटोमीटर के बारे में और आपके थ्री काइंड्स ऑफ ट्रांसफरेशन हमने पढ़े कि क्या क्या होते हैं और मेकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल ट्रांसफरेशन भी हमने पढ़ा और स्टोमेटा क्या होता है वो भी हमने पढ़ा और बाकी की जो आपके क्यूटिकुलर ट्रांसफरेशन या लेंटिकुलर ट्रांसफरेशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और भी जो स्टोमेटल ट्रांसफरेशन में आता है पोर्शन वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे ओके प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल बायो विथ चिप